तो दोस्तों फिलहाल मैं हूँ कटरा और मैं जा रहा हूँ पंडित श्री भर मंदिर, जो कि कटरा बस स्टैंड से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। माता वैष्णो देवी बहुत सारे यात्री आते हैं, बहुत सारे भक्त आते हैं और माता वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं, भैरव बाबा के दर्शन करते हैं, लेकिन पंडित श्रीधर के दर्शन बहुत कम ही यात्री करते हैं, क्योंकि शायद उनको पता नहीं होगा और इसलिए वो नहीं कर पाते हैं दर्शन। तो आपको मैं ले चलता हूँ पंडित श्रीधर मंदिर, और इस मंदिर का रियल नेम है वो है भूमिका मंदिर। आप किसी से भी पूछोगे भूमिका मंदिर कहाँ है तो आपको बता देंगे वो। आप ऑटो से भी जा सकते हो या फिर पैदल भी जा सकते हो, तो मैं तो फिलहाल पैदल जा रहा हूँ, देख सकते हो आप। पैदल यही 20-1 मिनट लग जाएंगे आपको कटरा बस स्टैंड से भूमिका मंदिर तक। जब आप भूमिका मंदिर की तरफ जाओगे तब आपको ऐसे सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं पंडित श्रीधर मंदिर के पास, तो आपको ले चलता हूं पंडित श्रीधर मंदिर के पास। चलिए आप और कीजिए दर्शन मेरे साथ में। ये इस तरह के रास्ते हैं जब आप जाओगे, और सामने मंदिर है तो दिखाता हूँ मैं आपको। नज़ारे देख सकते हो आप। ये है मंदिर, सामने आप देख रहे हो यही मंदिर है। दोस्तों देख सकते हो ये मेरे पीछे है पंडित श्रीधर का मंदिर। तो माता रानी ने यहीं पे दर्शन दिए थे पंडित श्रीधर को, और पंडित जी ने यहीं पे कन्या पूजन किया था। तो ये है पंडित श्रीधर का मंदिर। नज़ारे देख सकते हो कितना सुंदर है यहाँ का। तो झरने भी चल रहे हैं यहाँ पे, देख सकते हो आप, और काफ़ी सुंदर जगह है ये, और फोटो आप बहुत ज़्यादा क्लिक कर सकते हो यहाँ पर आओ तो। सुंदरता में कोई कमी नहीं है, तो आओ आप यहाँ पे तो पंडित श्रीधर के दर्शन ज़रूर करना और माता सुलोचना के। बाकी ये देख सकते हो बाबा भोलेनाथ का मंदिर भी है ये सामने। यही वो पवित्र जगह है जहाँ पर पंडित श्रीधर रहते थे, और इस गांव का नाम है हंसाली गांव, और यहीं पे माता रानी ने पंडित श्रीधर को कन्या के रूप में दर्शन दिया और उन्होंने बोला कि आप विशाल भंडारा करवाइए और भैरवनाथ को भी बुलाइए। तो देख सकते हो यहीं पे उन्होंने कन्या पूजन किया था पंडित श्रीधर ने। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।